हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद इजी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ यमी डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर, जिसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पनीर, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है। आप भी इसी तरह से कट कर लीजिए। एक तेजपात, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 15 काजू, 15 बादाम, 2 टीस्पून चीनी, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ी सी दालचीनी और 5 हरी मिर्च। सौ ग्राम रिफाइंड, 2 मीडियम प्याज और 4 मीडियम टमाटर। टमाटर का जितना साइज हो उस साइज का हमें सेम आधा प्याज लेना है, जैसे 4 टमाटर तो 2 प्याज। 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम पनीर यूज़ किया है, आप चाहें तो 250 या 300 ग्राम पनीर भी ले सकते हैं। स्लो गैस पर कढ़ाई रख लीजिए और इसमें ये हमने प्याज कट कर ली है, ये डाल दीजिए। टमाटर भी डाल दीजिए और ये हमारा काजू, बादाम और ये हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। और बाकी के हमारे ये मसाले, तेजपत्ता, दालचीनी और ये सारे मसाले, नमक मिर्च भी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं। पंद्रह मिनट के लिए स्लो गैस पर हमें इसे कुक करना है, तो इसके लिए आप इस पर लिड लगा दीजिए। पंद्रह मिनट के लिए स्लो गैस पे हम इसे कुक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, सारे मसाले हमारे अच्छे से, टमाटर प्याज गल चुके हैं। अब हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब एक पैन लीजिए, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालिए और जो हमने पनीर के क्यूब्स कट किए थे इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा केयरफुली डालिएगा, गैस स्लो कर देंगे। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है वरना पनीर हमारा कड़क हो जाएगा। थोड़ा शैलो फ्राई कर लिए और इसको पलट दीजिए। इसी तरह से सारा पनीर फ्राई कर लीजिए। ये मेरा होममेड पनीर है। अगर आप चाहते हैं आप भी होममेड पनीर की रेसिपी सीखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, सारा हमने पनीर फ्राई कर लिया है, आप भी इसी तरह से पनीर फ्राई कर लीजिएगा। प्याज टमाटर का मसाला ठंडा हो चुका है, इसमें जितने भी हमने बादाम डाले थे आप उनके छिलकों को उतार लीजिए। ये देखिए, इस तरह से छिलकों को उतार लीजिए, ये बहुत ही ईजिली उतर जाएंगे। सारे छिलके उतर चुके हैं और ये तेजपात, दालचीनी एक साइड में रख दीजिए, इनको पीसने की जरूरत नहीं है। इन सभी मसालों को मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए। कढ़ाई रखिए, उसमें रिफाइंड डाल दीजिए और जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये ऑयल थोड़ा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें पेस्ट डाल दीजिए। इसको अच्छे से चलाइए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको अच्छे से चलाइए। पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि अब हमें इसे 5 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि मसाला हमारा जले नहीं,
बस लीड लगाइए और 5 मिनट के लिए इसे कुक कीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला खूब अच्छा से भुन चुका है। अब इसमें कसूरी मेथी और चीनी ऐड कर दीजिए और ये क्रीम भी इसमें ऐड कर दीजिए। ये मैंने घर की फ्रेश क्रीम यूज की है। अब इसको हम लिड लगाकर 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। लिड लगा दीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने पनीर के क्यूब्स फ्राई किए थे वो सब इसमें डाल दीजिए। लिड लगाकर 2 मिनट के लिए और कुक कीजिए। 2 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा डिलीशियस सा शाही पनीर रेडी है। अभी हम इसको एक सर्विंग बॉयल में सर्व कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी फ्रेश क्रीम हम ऊपर से डाल देंगे। मैंने यहाँ पाइपिंग बैग का यूज किया है, आप चाहें तो स्पून से भी इसको डाल सकते हैं। हमारा डिलीशियस सा शाही पनीर रेडी है। आप चाहें तो इसे तंदूरी रोटी, चपाती, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।